हेलो गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस सेशन ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचिंग सेंटर। योर एजुकेटर डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के क्लास में इकोलॉजी से संबंधित ही एमसीक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो 2023 में होने वाली बायोलॉजी की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ए ब्राउन, बी अरस्तु, सी खुराना, डी रीटर। तो इसका सही जवाब डी रीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय है? ए वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, बी व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक, सी अध्ययन वनस्पति पर पर्यावरण का प्रभाव पर, और डी तापमान का प्रभाव। तो इसका सही जवाब बी व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं? ए पादप भूगोल, बी पारिस्थितिकी, सी पादप समाज विज्ञान, डी पारितंत्र। तो इसका सही जवाब बी पारिस्थितिकी होगा। पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? ए वीवर, बी एजी टेंसले, सी ईपी ओडम, डी रीटर। तो इसका सही जवाब एजी टेंसले बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पारितंत्र की सही परिभाषा है? ए एक दूसरे से परस्पर प्रतिक्रिया करने वाला जीवों का एक समुदाय, बी किसी आवास का अजैविक घटक, सी पृथ्वी का एक भाग एवं इसका वायुमंडल जिसमें जीवधारी रहते हैं, वातावरण के साथ, डी वातावरण के साथ जीवों का समुदाय है जिसमें वे रहते हैं। इसका सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी, डी अपघटक। इसका सही जवाब बी शाकाहारी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार से बाढ़ को रोका जाता है? ए स्थल को डालदार बनाकर, बी जल आवरण को हटाकर, सी वनों को काटकर, डी नदियों पर बांध बनाकर वृक्षारोपण करके। तो इसका सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है? ए उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक से, बी उत्पादक मांसाहारी एवं घटक उत्पादक से, सी प्राथमिक उपभोक्ता से, डी उपभोक्ता शाकाहारी या मांसाहारी से। तो इसका सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है? ए राइजोफोरा, बी फाइकस, सी मंजीफेरा, डी प्रोसेस राइम्स। तो इसका सही जवाब ए राइजोफोरा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था? ए शिकागो, बी शिमला, सी रियो डी जेनेरो, डी लंदन। तो इसका सही जवाब
सी रियो डी जनेरियो होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बी द्वितीयक उपभोक्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? ए हाइड्रोफाइट्स, बी मेसोफाइट्स, सी जेरोफाइट्स और डी इपीफाइट्स। तो इसका सही जवाब सी जेरोफाइट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी मर जाएंगे? ए काष्ठ, बी ठंडी वायु, सी भोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब डी ऑक्सीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, बी बिना पानी के पौधे की वृद्धि से, सी आवाज का पानी के साथ संबंध, डी पानी की तकनीक का संरक्षण। तो इसका सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, बी उष्ण कटिबंधीय वनों में, सी शंकुधारी वनों में, डी उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो इसका सही जवाब बी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन नंबर 16, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ए जीवजात, बी जीनोम, सी इकेड, डी पारिस्थितिकीय पदछाप। तो इसका सही जवाब डी पारिस्थितिकीय पदछाप होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ए जल प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी सांस्कृतिक प्रदूषण, डी वन कटाई। इसका सही जवाब डी वन कटाई होगा। क्वेश्चन नंबर 18, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ए गैंडा के लिए, बी बाघ के लिए, सी पक्षी के लिए, डी शेर के लिए। इसका सही जवाब ए गैंडा के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी प्रोटीन समृद्धि, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी आर्थिक दृष्टि से अनुकूल हो। इसका सही जवाब सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ए सागरी प्रदूषण, बी सागरों की लवणता में वृद्धि, सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, डी रोगों एवं महामारियों का फैलना। इसका सही जवाब सी होगा। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एमसीक्यू के रूप में हुआ, जिसे आप लोग निश्चित रूप से इसे देखें जो आपके लिए लाभदायक होगा। और इसी के साथ जो है आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें एवं अपने
फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें, जिससे वे लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। गुड नाइट, थैंक यू।